एजुकेशन के छोटा सा सवाल, जैसा कि अभी आपने अपने उद्बोधन में बोला कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में ही शिक्षा की बदहाली है, सरकार तो सर आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार तो पिछले 60 वर्ष का 70 साल का जो हुआ है उसे हमने काफ़ी साफ कर दिया है। और आपने, आपको ध्यान हो कि पिछली साल जब हमने पहली बार ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन की परीक्षा कराई थी तो नकल विहीन परीक्षा पूरी तरीके से कराई थी। ये संकेत है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर लोगों को पढ़ाई लिखाई की ओर जो है हम प्रेरित करना चाहते हैं बच्चों को, और तो परिवर्तन आ रहा है लोगों की मानसिकता के बिना, और लोग सोचने के लिए विवश है कि अब नकल करके पास नहीं हो पाए। जैसा कि एक मिनट, अब नकल करके, नकल से पास होकर के डिग्री प्राप्त करके अब नौकरी भी नहीं ले पाएंगे, ये लोग सोचना शुरू कर दिए। सर, जैसा कि आज गांधी जयंती है, गांधी जी का जो शिक्षा के बारे में जो चिंतन था वो कहते थे कि आधारभूत और बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, आपकी सरकार ने ऐसा सोचा जा रहा है? लाइट में हटा लेकिन जो शिक्षा ऐसे कब हटा रहेगा? अब ऐसा है, सारी चीजें ये चिंतन हो रहा है। बहरहाल ये जो स्किल जो जो वो है सिस्टम जो उपयोग होता है, वो बुनियादी शिक्षा ही एक तरीके से मानी है। हम लोगों के अंदर वो कौशल पैदा करना चाहते हैं, वो प्रवीणता पैदा करना चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों, समर्थ हों, सशक्त हों। सर, जो विवेक तिवारी का जो मर्डर वाला है उसमें पुलिस से विश्वास हटा है लोगों का, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, विवेक तिवारी की जो घटना है बहुत दुखद है और आम आदमी उससे हिल गया है, और एक व्यक्ति से ने गलती की है इसके लिए समूचे पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और जिसने गलती की है जो दोषी है उसे कठोरतम दंड मिलेगा, ये पक्की बात है।